समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं,
उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण अनमोल वचन। श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो, बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कृष्णा क्वोट्स इन हिंदी, महाभारत में कृष्ण के कहे 10 अनमोल वचन। यहाँ महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिए गए 10 अनमोल उपदेशों के बारे में बताया जा रहा है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है।